हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो आपकी स्किन को सिर्फ 5 मिनट में ही ब्राइटन कर देगा। शादी या किसी पार्टी में जाने से पहले आप इस रेमेडी को झटपट लगा सकते हैं और खूबसूरत और ब्राइटन स्किन पा सकते हैं। लेकिन कोई भी रेमेडी स्किन टू स्किन वैरी करती है। किसी की स्किन ड्राई, ऑयली और नॉर्मल बहुत टाइप की हो सकती है, तो ये रेमेडी 100% इफ़ेक्टिव है। लेकिन किसी की स्किन पर इस रेमेडी के ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे और किसी की स्किन पर कम चेंजेस दिखाई देंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए हमें टमेटो और सॉल्ट की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे टमेटो और सॉस सिर्फ 5 मिनट में ही आपकी स्किन को गोरा कर देंगे। टमेटो सिर्फ खाने में ही नहीं टेस्टी होता, बल्कि स्किन को नेचुरली हेल्दी रखता है। इसमें लाइकोपिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और न्यू स्किन सेल्स को जनरेट करता है। इसके लगाने से आप सन टैन से भी बच सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर बिग पोर्स हैं तो यह आपकी स्किन के पोर्स को भी श्रिंक करता है। सॉल्ट स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन करता है और डेड स्किन को हटा देता है। सॉल्ट में नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो आइए देखते हैं टमेटो और सॉल्ट को स्किन पर कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। इसके लिए टमेटो को सबसे पहले एक पतली सी स्लाइस में कट कर लें और अपने स्किन पर स्मूदली यूज़ करना शुरू कर दें। फिर थोड़ा सा सॉल्ट टमेटो पर लगाकर अपनी स्किन पर धीरे धीरे रब करना शुरू करें। ज़्यादा तेज़ी से रब ना करें, उतना ही रब करें जितने से आपकी स्किन पर दर्द ना हो। इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए रब करते रहें और ड्राई होने का वेट करें। ड्राई होने के बाद ठंडे पानी से अपने स्किन को वॉश कर लें। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पहले से ज़्यादा गोरी और स्मूथ हो गई है। मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के मुकाबले काफ़ी गोरा हो गया है। इस रेमेडी को आप कोहनी, घुटनों, पैरों पर यूज़ करें और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और रिज़ल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।